वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अरोमा बेक से रितेश कुमार। तो आज हम बात करेंगे आइसक्रीम मशीन की कॉस्टिंग के बारे में और जानेंगे कि आइसक्रीम मशीन से मंथली कितनी इनकम होती है और जानेंगे कि हम इस पे कितना अर्न कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कई सारे वीडियोस हमने ओवन, मिक्सर और स्लाइसर वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, प्लस रिपेयर एंड सर्विस भी हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला कोन, जिसमें आप आइसक्रीम डालोगे, जो सॉफ्टी डालोगे। दूसरा प्रीमिक्स, जिससे आप जो कोन बनता है उसमें डलता है इसके अंदर, और प्रीमिक्स को मिलाकर उससे चाहिए होता है दूध। तो हमने कॉस्टिंग निकाली है। अब मैं आपको बता दूँ, ये कोन मैंने ख़रीदा है, ये भी मैंने ख़रीदा और ये दूध भी, ये मैंने एज अ कस्टमर प्राइस पे ख़रीदा है, जो जनरली हर कोई घर पे ख़रीदता है, थोक के भाव पे नहीं लिया है। तो हम चलते हैं, इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं एज अ कस्टमर प्राइस। डीलर प्राइस या थोक भाव में रेट कम मिलता है, तो हम इस पे कॉस्टिंग निकालते हैं। तो ये मुझे पड़ा 210 रुपए का। अगर यही चॉकलेट में लेते हैं तो 230 या 245 का पड़ जाता है, तो हम 210 का पड़ता है। तो हम लोग कॉस्टिंग में हम बात करेंगे इसका भी, तो हम लोग ओवरऑल कॉस्टिंग निकालेंगे चॉकलेट के साथ भी। ये पड़ता है 1 रुपए का एक कोन, अगर परचेज करा जाए तो 1 रुपए का एक कोन और ये 210 का, और तो ये तो आपको कॉमन मालूम ही है 30 रुपए का एक पैकेट, यानी 60 रुपए का। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की पहले, या मैं मशीन चला के दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले मशीन चला के दिखाता हूँ और उसके बाद ना उसके कॉस्टिंग बताता हूँ। आइए चलिए अब हम मशीन चालू करते हैं, देखते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है, मैंने ऑन कर दिया, इसमें देखिए लाइट आ गई। अब आपको मैं चीज़ें कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको बहुत ईजी है ऑपरेट करना, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नहीं समझना है, बस कुछ नहीं, बस ये ध्यान देना है कि हमें सेट कितने पे करना है। तो ये है मीटर, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें ऑन करना है, देखिए ऑटो पर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 00 हार्डनेस है, आप देख सकते हैं 00 हार्डनेस है, यहाँ 5.0 है। तो अब हमें इस पर सेट करना है। मान लीजिए मैंने ऑन कर दिया और मैंने सेट, यहाँ पे मैंने सेट पॉइंट लगा दिया 5 और मैंने ऑटो कर दिया। तो अब 5 मैंने सेट कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। अभी 2.9 हार्डनेस है इसके अंदर। अब इसके अंदर कंप्रेसर चालू होगा, ये देखिए आवाज़ आई, कंप्रेसर चालू हो गया। अब कंप्रेसर चालू होने के बाद ये 2.9, ये जब 5 चला जाएगा तो ये हमारी हार्डनेस सेट हो गई। तो हम लोग, हालांकि हम लोग 4 हार्डनेस सेट पे निकालेंगे। मैंने हार्डनेस सेट कर दिया। अब यहाँ पे अभी 4.5 के तक यहाँ पे पहुँचेगा और ये कंप्रेसर बंद कर देगा, आइसक्रीम मशीन बंद कर देगा। तो ये 4.5 हमने सेट कर दिया। अभी जैसे ही ये 4.5 तक पहुँचेगा यहाँ पे चलने के बाद, कंप्रेसर चलने के बाद, तो ये क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। और जो इसके अंदर जो आइसक्रीम प्रीमिक्स और ये दूध वगैरह जो हम मिक्स करके डालेंगे, तो इसके अंदर जाके मतलब जम के, और फिर यहाँ से वो हार्डनेस, मतलब कितना हार्ड हमारा क्रीम होना चाहिए, वो डिसाइड करता है ये हार्डनेस, और फिर उसी हिसाब से डिस्पेंस होता है। तो अब हम आइए हम थोड़ा सा कॉस्टिंग निकालते हैं इसका। 250 ग्राम हम लोग प्रीमिक्स यूज़ करेंगे, 1 लीटर हम लोग दूध यूज़ करेंगे, तो और 1 रुपये का कॉर्न। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, 1 लीटर दूध या और प्रीमिक्स मिलाकर 1 लीटर में 18 कॉर्न निकलती हैं। 18 कोन मतलब 18 बार डिस्पेंस होगा एक अच्छे खासे फिलिंग के साथ। तो आइए अब हम मिक्स करते हैं और डालते हैं। तो ये हमारा वेट स्केल है, इधर ले आओ। ये हमने 250 ग्राम डाल दिया इसके अंदर, आप देख सकते हैं 250 ग्राम दिख रहा है। और ये मैंने इस टिन के साथ डाला है, तो अगर हटाते हैं तो 380 ग्राम तो इस टिन का ही आ जाता है। तो जैसा कि हमने इसके अंदर 250 ग्राम प्रीमिक्स डाल दिया था, अब 250 ग्राम प्रीमिक्स में हम लोग 1 लीटर दूध डालेंगे, क्योंकि हमने कॉस्टिंग उस हिसाब से निकाली है। क्योंकि 1 किलो प्रीमिक्स में 4 लीटर दूध जाता है, तो हमने 1 लीटर दूध लिया है, तो इसलिए हम लोग 250 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके अंदर मिल्क यूज़ करेंगे, ये आधा लीटर मैंने दूध डाल दिया है और ये आधा लीटर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हैंड से, बिल्कुल पूरा मिक्स कर लिया।
अब ये इस फॉर्म में हो जाता है, सेरेलेक फॉर्म में। सेरेलेक का आपने सुना ही और देखा ही होगा। तो और इस आइसक्रीम मशीन का काम क्या है, इस लिक्विड फॉर्म को एक हार्डनेस सेट करके आइसक्रीम जैसे सॉफ्टी बना देना, इसका काम सिर्फ यही है। तो अब हम इसको डालते हैं। ये हमने फिर से 4.5 पे सेट कर दिया है, हमने ऑटो बटन दबाया कूलिंग के लिए और ये चालू हो गया है। अब ये 4.5 पे हमने कूलिंग सेट किया है कि उतना हार्डनेस बन के निकले, उतना हार्ड बने। अब ये कंप्रेसर भी चालू हो गया इसका, और कंप्रेसर चालू होते के साथ ही अब ये ठंडा करेगा और आइस डिस्पेंस करेगा। तो हम वेट करते हैं कि 2.7 यहाँ पे दिख रहा है अभी, वो 4.5 कब होगा। तो 4.5 के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक ये सेट पॉइंट तक पहुँचता है, 4.5 तक पहुँचता है, तब तक हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गाइज, प्रीमिक्स मैंने जो यूज़ किया वो 210 रुपये का पड़ा था, तो 250 ग्राम मुझे पड़ा 52.50 पैसे का। तो 55 रुपये का हम मान लेते हैं, अगर हम लोग चॉकलेट प्रीमिक्स भी यूज़ करते हैं तो हमें पड़ेगा 250 ग्राम 55 रुपये का। तो जो हमने 1 लीटर दूध यूज़ किया वो 60 रुपये का और 1 रुपये का कोन, तो टोटल हो जाता है हमारे पास 55, 60 और 18 पीस निकलती हैं 1 लीटर में, तो हम 18 रुपये लगाते हैं। टोटल हो जाता है 133 रुपये का 18 सर, मतलब 18 सॉफ्टी इसके साथ आप 18 पीस निकाल सकते हैं कोन के साथ। तो सपोज़ कीजिए अगर हम उसे 15 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितनी कमाई हुई, यानी 270 रुपये का हमने अर्न किया। 18 पीस बेचते हैं, 270 रुपये अपने जेब में। अब यही चीज़ अगर हम बात करें तो लागत कितनी आई, 133 रुपये की, पर कमाई कितनी हुई टोटल, मतलब प्रॉफिट और लागत के साथ हमें मिला 270 रुपये। तो हमारी कमाई ऑफकोर्स 270 माइनस 133। अब हम चलते हैं एक पीस कोन पे, एक्चुअल फिगर निकालते हैं कि क्योंकि इसमें सिर्फ मशीन के अलावा इस मशीन की बिजली भी खपत हो रही है, अब बिजली का भी पैसा तो लेना ही है, हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं कोन की तरफ। एक पीस कोन को बनाने में हमें 7.38 रुपये लग रहा है, इसको सॉफ्ट सर्व करने के बाद 7.38 रुपये लग रहा है, बट हम इसको ले लेते हैं 62 पैसा बिजली बिल एक कोन पे ले लेते हैं, क्योंकि इसका 2 किलोवाट यूनिट है, 2 किलोवाट 1 घंटे में लेता है। तो अगर 10 रुपये यूनिट है तो 20 रुपये ले लिया, एक घंटा चला तो 20 रुपये तो उसने ले लिया, तो हम ले लेते हैं 62 पैसा मैक्सिमम बिजली बिल। तो 8 रुपये का पीस समझ लो हमको पड़ गया। अब 15 से 20 रुपये का मैक्सिमम सेल आउट होता है, 15 रुपये जो नॉर्मल लोग मतलब कहीं भीड़ नहीं है या फेमस जगह नहीं है तो आप 15 रुपये में बिक जाता है, बट मोस्टली लोगों ने 20 रुपये में सेल करना स्टार्ट किया है। बट हम फिर भी हम 15 रुपये का हिसाब लगा के चलते हैं। अगर आप 500 आइसक्रीम सेल कर देते हैं तो 4000 की लागत आती है और कमाई होती है 3500 रुपये, राइट। अब 500 × 15 = 7500, ठीक है। अगर आप 500 आइसक्रीम बेच देते हो यानी 8 रुपये की लागत पे, तो ये 500 × 8 रुपये की लागत पे तो 4000 की लागत लगी। पर अगर हम उसको बेच कितने कर रहे हैं, 15 रुपये का या 20 रुपये का, अगर 15 रुपये का बेचते हैं गुणे 500 तो 7500 यानी 3500 की कमाई हो गई, राइट, 15 रुपये पे। और 20 रुपये पे बेचते हैं तो हमारा हो गया 500 × 20, 10000, यानी 4000 की लागत लगी, 6000 की कमाई हो गई। बट हम लोग 15 पे ही कॉस्टिंग निकालेंगे, 20 वाला नहीं निकाल रहे, वो तो अपने ऊपर है कौन सा प्रीमिक्स कितना दूध कौन, वो अपने यूज़ करना है। तो कमाई हो गई हमारी 3500 रुपये की डेली अगर हम 500 आइसक्रीम बेच देते हैं तो 3500 × 30, तो ये हो गया जी 105000 रुपये महीना हमने कमाया, 105000 रुपये महीना 500 आइसक्रीम अगर डेली बेचते हैं तो। ये सब जो मैंने बताया वो तो मैंने कैलकुलेट किया, जो मैं एक्चुअल जो हम लोग क्लाइंट प्राइस पे, मतलब अभी मार्केट से जो मैं खरीद के लाया उस पे, बट आपको जो ये थोक रेट पे सस्ता मिलेगा, दूध भी आपको सस्ता मिलेगा, क्यों, उस पे भी कमाई बचती है, आप डायरेक्ट जो रिटेल मतलब जो आपको सप्लाई करता है आप उससे परचेज करेंगे कि दूध की लागत ज़्यादा लगती है, और प्रीमिक्स भी अगर आप इकट्ठे मंगवाएंगे तो आपको वो भी कम रेट में पड़ेगा, तो इससे आपकी कमाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो मैंने निकाला था सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल
कस्टमर कंज्यूमर प्राइस पे, तो तब जाके मुझे 105,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। बट आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कमाई कितनी है। अब वेट करते हैं कि ये 4.5 हार्डनेस कब तक आता है, फिर हम यहाँ से डिस्पेंस करेंगे। कंप्लीट हो चुका है, अब हम ये सेट हो चुका है 4.5 पे, अब इसकी हार्डनेस सेट हो चुकी है, अब हम आइसक्रीम डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा कोन,